नीचे तक चला गया है पानी, अब मैं उठ भी नहीं सकता। अरे ना बहुत सारे देखे होंगे अडे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फलाना ढिमकाना, बहुत सारे आज अडे एज अ मजदूर दिहाड़ीदार, वो देखो अपनी तरफ से। हाँ जी, सत श्रीकाल जी सारे नु, की हाल चाल? तो भैया आज अपने को वीडियो बनानी है, एक मिनट ये बोल जाएगी। आज अपने को वीडियो बनानी है कि एज अ मजदूर एज अ दिहाड़ीदार, अरे यार बाल बहुत जाते इधर, ठीक है उसके बारे में, और मतलब स्टार्टिंग से मतलब क्या चलता है एज अ मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में वो भी, ठीक है। तो आज अपनी शिफ्ट है, ठीक है मंडे, ठीक है, और शिफ्टें बहुत कम है अपने पास क्योंकि 20 घंटे भी नहीं हो रहे मेरे पूरे, तो एक तो बाल भी नहीं आ रहे, तभी तो कटवा नहीं रहे, पैसे नहीं है, ठीक है। तो सुबह सुबह जब आदमी उठता है तो हगी करता है, ब्रश करता है, वो दिखाया नहीं जा सकता ना, तो स्टार्ट करते हैं चाय से। ये इधर बन रही है, इधर अंडे चल रहे हैं। एक चीज और मेरे को भी ध्यान आया कि आज है मंडे, और मंडे को मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाता तो अंडे भी खराब हो गए, कर दो बंद, कोई फायदा नहीं, अभी बिस्कुट वगैरह ढूंढने पड़ेंगे। ये होता है मेरे साथ, मतलब बहुत बार मैं सुबह अंडे उबाल लेते, मेरे को ध्यान नहीं रहता क्योंकि मेरी सबसे पहले जॉब होती है, जो उठ के करता हूँ सबसे पहले आके अंडे रख देते हैं, फिर हगी करने चले जाते हैं, फिर ब्रश करके आके चाय रख देते हैं, लेकिन अभी काम खराब हो गया, बिस्कुट खाएंगे ये वाले। तो जो सबसे पहले काम होते हैं वो सब लोग करते हैं, सबके सेम ही होते हैं चाहे आप किसी कंट्री में हो, ठीक है सुबह सुबह वही होते हैं। और जो दूसरा मेरा काम होता था, ये बिन भरा नहीं है, ठीक है, तो वो वाला भरा है वो फेंक देंगे। तो अभी हम लोग घर में चार लोग हैं तो ज़्यादा सामान पड़ नहीं रहा है इसमें, तो कल खाली किया था सुबह, तो आज ज़रूरत नहीं है, तो ये और ये उठा के फेंक देंगे। और कल अपने वो भाई है वो डिलीवरी कर रहे थे, तो उनको ये एक आईडी कार्ड मिला है इस लड़की का, तो मैंने मैसेज तो कर दिया है इस लड़की को, नहीं जो स्टूडेंट हेड है हमारी, कि ये हमें मिला, उसका रिप्लाई नहीं आया, मैसेज तो सीन कर लिया उसने। तो मैं बता दूं ये जो भाई का अलार्म बज रहा है ना, ये बजेगा 9 बजे तक, भाई का अलार्म चालू रहता है 7 बजे से, मतलब हर 10-15 मिनट बाद बजता है, भाई ने बहुत अलार्म लगाया और भाई उठता भी नहीं है, इस बात से हरमन भाई भी तंगे, हरमन भाई के साथ सोते हैं भाई। तो चाय इधर, ओ तेरी इस पर नहीं रखनी चाय इधर, तो अभी वीडियो भी एडिट करेंगे साथ में चाय पियेंगे, तब तक आप बाहर का टाइम लैप्स देखो। तो टाइम लैप्स आपने देख लिया, ठीक है, और एडिट भी अपनी हो गई है और रेंडर हो रही है, बस अभी जब जाएंगे तो दिखाएंगे। मजदूर इंसान ने आज रोटी नहीं बनानी है, वैसे रोज ना लंच के लिए मतलब अपनी रोटी बना के ले जाता है क्योंकि रात में सब्जी होती है, तो अभी तीन दिन से हमारे पास ऐसा सीन आया नहीं, तो ऐसे ही जाना पड़ता है। दिहाड़ीदार बंदे भी है, नहाते भी हैं, और एक चीज़ मैंने ये देखी है कि बहुत सारे जो लड़के इधर यूट्यूब कर रहे हैं, ठीक है, जितनों को मैं जानता हूँ पर्सनली, उनके कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बहुत कॉमन होता है, भाई नहा लिया करो। भैया नहाते हैं लेकिन अभी नहाते हुए कौन दिखाता है, नहाते हुए दिखा सकते हैं ना, नहाते हुए दिखा सकते हैं, यही है, बट शक्ल से दिख जाते हैं नहाया कि नहीं नहाया। अभी बंदा नहाने पे जोर दे कि वीडियो पे जोर दे कि पढ़ाई पे जोर दे, एक नन्ही सी जान क्या कुछ। तो थोड़ी सी ना अमीरी दिखानी है, ठीक है, दो दो यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं भाई, और एप्पल म्यूजिक का भी एक्टिव है, अमीरी बहुत है नुकसान में भाई। यार एक तवाल, तो भैया तैयार हैं, अभी जाना है अपने को दिहाड़ी पे, तो जाते जाते बताएंगे सब कुछ, जाते जाते नहीं बताएंगे क्योंकि एक ड्रिंक एंड ड्राइव सेफ नहीं है और फ़ोन और ड्राइव भी सेफ नहीं है। तो अभी तक प्रोसेस चली है कि अपन लोग एडिट उडिट कर देते हैं सुबह ही, क्योंकि शाम के टाइम इतने मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि शाम को रोटी पानी भी करना होता है, जिम भी जाना होता है, बहुत कुछ होता है, तो आज आपको फिर दिखा देंगे सब कुछ क्या क्या चलता है हमारा। जैसे हमारी ये लीज़ ख़त्म होगी इस घर की, मूव होने का इधर से किसी अच्छी जगह पे, कुछ बड़ा आएगा ना वो बताएंगे धीरे धीरे, शायद मैंने कल वाले व्लॉग में बोल भी दिया शायद। तो ये कंपनी का यूट है, इसी में अपन लोग जाते हैं। तो भैया सीन ऐसा है कि अपन लोग रोज तो नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल डलवाना पड़ता है अपने पैसे का, गाड़ी चाहे किसी के, पेट्रोल अपने ही, चल जा ब्रो। तो बस बाकी सब सही है, गर्मी बहुत हो गई है। तो भैया कांड हो गया, देखो पानी फैल गया है, ड्रिंक एंड ड्राइव हो रही थी, वो मैंने सोचा पानी पी लिया जाए उधर से उठा के, तो ये नीचे तक चला गया है पानी, अब मैं उठ भी नहीं सकता, फ्री वे है, फ्री वे पे आप गाड़ी नहीं रोक सकते हो, तो भाई 120 पे की जा रही है, तो
तो काम खराब पहुंच गए लेकिन सुसू बहुत। तो भैया दिहाड़ीदार ना आज टी शर्ट में आया, दिहाड़ीदार को पता नहीं था कि ठंडा बहुत फट रही है आज। Vlogs. Have a good night. भाई इनकी किसी हो या नहीं जिस हिसाब से खड़े हैं। दिहाड़ीदार की ना दिहाड़ी खत्म हो गई है 3 बजे, तो आज अपने कम घंटे लगे हैं क्योंकि काम ज़्यादा होता नहीं है मंडे को, तो मेरे को ऐसे ही बुला लेंगे। तो अभी अपन लोग सामान खरीद रहे हैं, तो मजदूर इस टाइम भूल बच में दो दिन से वैसे मैं गया नहीं हूँ क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे बिल्कुल नहीं गया, मंडे सोच रहे हैं कि जाए कि ना जाए। और एक ये भी मैं सोच रहा हूँ कि फायदा तो पड़ नहीं रहा शरीर पे, कैंसिल कर देते जिम की मेंबरशिप, अभी पहले घर चलते। चेक करना जरूरी होता है, कई बार लगता नहीं है ना। तो भांडे तू पाक जो आहो भांडे दा गंदा भांडे विच रखी जावे बंदा ना जिदा आहो जेडे इथे हुंदे आ थल्ले रखी जावे आ एवे यार एवे रहंदे स्टूडेंट है साफ सुथरा बन के रहे आ एक पौधा या वधिया लगदा इदा गांजा तो नहीं का भंग तो नहीं पाल रखी तुलसी होली तुलसी गोपी बहु वाली है की करना इनु पग बन के जाना वा आहो नहीं पग नहीं पर नहीं बनना बहु ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਛਾ ਉਹਲਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੂਣੀ ਕਰਾਈ ਆ ਭਰਾ ਪੱਗ ਦੀ ਅਦੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਾ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਬੰਨੀ ਤੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਗਾ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਭਈਆ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਬ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ तो थक जाता है, जो ट्रेड वर्क होता है जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो भारी होता है, ठीक है नींद आती है उसके बाद, ठीक है। तो अभी सो जाना है फिर उठ के जाना है जिम और फिर थोड़ा बहुत असाइनमेंट का करना है क्योंकि असाइनमेंट ड्यू है 4 तारीख को, वो भी 2 वो देखने हैं, ठीक है। तो जब उठेंगे फिर टाइम लैप्स लगा देंगे, तब तक आप लोग करेंगे वो असाइनमेंट का, फिर शाम को जब गाड़ी आ जाएगी तब जिम चले जाएंगे तो दिखा देंगे, अभी सोना है थोड़ी देर। आदर्श हो गए, अपन लोगों ने अलार्म लगाया था, ठीक है। तो वैसे कोई ना कोई शाम तक कोई ना फोन करके तंग कर देता है कोई ना कोई, यानी कि उठा देता है, लेकिन आज किसी भी अच्छे बच्चे का फ़ोन नहीं आया और अलार्म बजा नहीं, हमने लगाया नहीं था क्योंकि शाम को कहीं जाना नहीं होता ना, जिम जाना होता बस। तो अभी जब तक डॉक्टर साहब नहीं आता तब तक गाड़ी नहीं आएगी, तब तक अपन लोग जिम नहीं जा पाएंगे, तो तब तक अपने लोग बना लेते हैं रोटी। दिहाड़ीदार को रोटी बनानी पड़ती है खुद और खानी भी होती है ना खुद। तो जिस दिन मंडे होता है ना, तो उस दिन थोड़ी दिक्कत सी रहती है कि मैं मतलब नॉन वेज नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, और हमारे घर में सुबह वैसे अंडे वगैरह खा के जाते हैं, प्रोटीन शेक वगैरह पी के जाते हैं, लेकिन प्रोटीन शेक जो होता है ना उसमें भी एग मिला होता है, जो शेक होता है, ठीक है, शेक नहीं मतलब जो प्रोटीन होता है, तो इसलिए अपन लोग वो भी नहीं खा के जाते, पी के जाते, तो पूरा दिन लेजी लेजी सा काम होता है। तो अभी अपन अभी अपने पास वाटरमेलन है, वाटरमेलन जिसको तुम लोग बोलते हो अंग्रेजी लोग, वो है अपने पास, वो खाएंगे। ये वाला इधर भी मिलता है, काफ़ी लोग पूछते हैं क्या क्या मिलता है, भाई सब कुछ मिलता है, जो इंडिया मिलता है आम भी मिलता है, लेकिन इम्पोर्ट होके आते हैं शायद, वो बहुत घटिया से होते हैं,
उनमें उतना रस नहीं होता जितना होना चाहिए। पता नहीं हमारे यहाँ घटिया आते हैं या अगर कोई सिडनी मेलबर्न में रहता है शायद उनके यहाँ अच्छे आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं आते। मतलब जो अच्छे मीठे वाले थे ना, जिसको मतलब खा के क्या चूस के अंदर हाँ मजा आ गया, वो सीन नाइफ बहुत बड़ा बंदे काटने वाला नाइफ रखा हरमन भाई ने। ज़्यादा नीचे ना जाए, मैंने निक्कर पहन रखी खाली। ये भी चक्कर है, बहुत कुछ देखना पड़ता है भाई। और हमारे घर में आधे ज़्यादा तो निक्कर देखती हैं लोगों को ब्लॉगिंग के टाइम, तो इसलिए और भी ध्यान रखना पड़ता सब निक्करों वाले। क्या ही करें, लड़कों का घर है यार। मैंने तेरे नाम वाला सीन रखा, आधे बाल इधर आए थे आधे बाल इधर चले जाते, बहुत बड़े हो गया। तो अभी ना मतलब अभी तक जितना देख लिया लोगों में ना कमेंट बहुत आएंगे कि भाई तू पढ़ता कब है। पहले मैंने एक बार वीडियो बनाई थी मतलब एज अ स्टूडेंट, मतलब डेली लाइफ में क्या होता है, तब बहुत लोगों ने कहा था कि तू भाई पढ़ता कब है। उसमें मैंने पढ़ाई का बताया नहीं भाई, पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी के दिन डिसाइड है। मतलब यूनिवर्सिटी जाओ, जितना वो पढ़ाते हो उतना अगर आप ध्यान दे के पढ़ लेते हो तो आपको फालतू की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस अगर आप असाइनमेंट अपने ध्यान से करते हो और अच्छे से करते हो तो आपका चल जाता है। तो बस वही है, देखो स्मार्ट वर्क करो, गधों की तरह मतलब किताबी कीड़े मत बनो, अपना तो मानना ही है। तो ये जो मजदूर दिहाड़ीदार है, ये बंदा रोटी भी अपने आप बनाता है, सब कुछ अपने आप करता है, जितने भी स्टूडेंट है सब अपने आप ही करते हैं, तो किसी को इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से कर लेते हैं। जो भी बंदा इंडिया से आ रहा है कहीं से आ रहा है तो भैया थोड़ी बहुत रोटी बनानी सीख के आओ, नहीं तो आपके लग सकते हैं स्टार्टिंग में। बाद में चलो सब लोग सीख जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की बात होते हैं, स्टार्टिंग में सब दिक्कत आती है। और एक चीज़ ये कि जो लड़कियाँ मतलब जिनको अच्छा खाना बनाना वगैरह आता है तो वो एक चीज़ कर सकती हैं, वो ना एक टिफ़िन सर्विस चला सकती हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंटों को नहीं बनाना आता। तो सिडनी मेलबर्न में ये स्टूडेंट्स का भला हो जाता है, फ्री सर्विस नहीं। तो अभी देखो यार बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, सामान के मतलब अपने कपड़े ना तीन इनमें भरे पड़े, अमीर लोग ना तीन तीन है अपने पास ऐसे बकेट्स, तीनों में धुले हुए हैं गंदे नहीं है, तो तीनों आज टांगने हैं, तो ये भी टांग देते हैं और रूम की थोड़ी बहुत साफ सफाई कर देते हैं, बहुत लोगों ने बोला है। तो भैया सीन ऐसा है कि देखो अभी हो गई है गर्मी है ना, गर्मी होने की मतलब फील हो रही है, तो ये जैकेट्स वगैरह इनको डाल देंगे इसमें, क्योंकि जगह बहुत घेरी आती है और अपने पास कपड़े हो गए ज़्यादा, तो मजदूर इंसान है ना तो मजदूरी वाले कपड़े बहुत हैं हमारे पास, तो सब डाल दें अंदर। तो भैया एक मिनट, तो अपन लोगों ने सोचा कि जो अपनी जितनी भी काली टी शर्ट है अराउंड 15-16 उनका भी कोई काम नहीं है, रेस्टोरेंट में अपन लोग हर दिन जाते नहीं, वो खाली एक दिन जाना होता है क्योंकि मेरे 20 घंटे हो जाते हैं ऑलमोस्ट 18-19 घंटे के समथिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा सब पैक करके रख देते, कोई फ़ायदा नहीं है, खाली मैं लोगों ने हैंगर घेर रखे हैं, जो करता हूँ चीज़ें उनमें नहीं आती। रोज़ की ज़िंदगी में मेरी बस जॉब आती है, खाना पीना आता है, हंगामा उतना आता है, और जिम आती है, और पढ़ाई कभी कभी आती है। तो ये पढ़ाई के हिसाब से जोड़ दो कि जितने दिन कपड़े मतलब धुलना ये रोज़ नहीं आता, ये दूसरे तीसरे दिन में धुलता हूँ क्योंकि काफ़ी कपड़े हो गए हैं, तो चल जाता है अपना काम। कोई और ही बंदा, इसको कान में खुजली करने में बहुत मज़ा आता है, और ज़्यादा खुजली तभी होती है जब आप एयरपॉड यूज़ करते हो, पुराने वाले एयरपॉड्स से ना खुजली नहीं, कोरोना नहीं है, खुजली नहीं होती थी, लेकिन ये इनकी ना रबड़ है, ये अंदर होता रहता है सर। तो ये जो टी शर्ट है ना काली वाली, ठीक है, ये सब मेरी है ना जॉब वाली, ठीक है, तो जितने भी हैं सब पैक करके रखनी ढंग से, ठीक है, और जब इंडिया जाना है इनको ना ढंग से धो लेना है। और फिर जो रिश्तेदार कहते हैं ना इनका लड़का बहुत पैसे कमाता है, तो उन सबको बांट देनी ये वाली टी शर्ट है, क्योंकि उनको बहुत वहम है कि इनका लड़का बाहर गया है अंधा वैसा छाप रहा है, बहुत लोगों को है, तो सबका वहम निकाल देना काली टी शर्टें देके, सबको ब्लैक ही बना देना। तो भैया देखो मजदूर इंसान, आज कमरे की होगी सफाइयाँ, आगे से अगर कोई बोला कि कमरे में सफाइयाँ नहीं है तो बोल लेना, हम क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, गालियाँ दो माँ बहन करो। हाँ जी भैया, तो ये अगला दिन है, तो मैंने कुछ चीज़ें बताई नहीं थी जॉब के बारे में, लाइक जैसे पे वगैरह का क्या सीन है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में ऑलवेज आपको पे ज़्यादा मिलती है, कुछ लोगों को दिहाड़ी के हिसाब से मिलती है, तो अगर जिनको दिहाड़ी से चाहिए होती है तो वो फुल टाइम वर्क राइट आपके पास होनी चाहिए, आप डेली जाओ तो आपको दिहाड़ी के हिसाब से मिल जाती है, पर डे के हिसाब से $250 या $300 या $150 जितनी भी आपकी हो। अगर आपको मतलब जैसे आपके पास फुल टाइम वर्क राइट नहीं है, आवरली अपना फिक्स कर सकते हो, आप नहीं फिक्स करते हो, आपकी स्किल पे होता है, तो वो जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो आपको बता देते हैं कि आपके पास इतनी स्किल है, आपको हम इतना पैसा देंगे। और अगर आप किसी गोरे के साथ जॉब करते हो, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो भी आपने जॉब करनी है उसके हिसाब से अलग अलग सर्टिफिकेट बनते हैं,
तो गोरों के साथ काम करने के लिए आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, व्हाइट कार्ड भी चाहिए, देसियों के साथ व्हाइट कार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, देसी चला लेते हैं काम। मेरी जो पे है वो है $25, ठीक है, और बाकी ठीक है। बाद में जब डॉक्टर साहब आ गए थे, अपन लोग जिम चले गए थे, फिर आके सो गए, बस यही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।